फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पर्ल इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं एक टाइमर के बारे में बताऊंगा जो कि आपके सामने रखा हुआ है। इस टाइमर को हम एनालॉग टाइम स्विच कहते हैं, आम भाषा में इसको हम स्ट्रीट लाइट टाइमर भी बोल सकते हैं। इस टाइमर का यूज़ क्या है मैं अभी समझाता हूँ आपको। स्ट्रीट लाइट टाइमर के नाम से ही पता चलता है कि ये स्ट्रीट लाइट जो हम दिन में बंद कर देते हैं और रात को ऑन कर सकते हैं ऑटोमेटिक, उसके लिए ये टाइमर यूज़ किया जाता है। इस टाइमर को हम किसी भी टाइम के लिए ऑटोमेटिकली ऑन कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली ऑफ भी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को, लाइट को, पंखे को, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी डिवाइस है जो आपको इस टाइमर के थ्रू आप इसको जब चाहें रोज किसी भी समय चालू और किसी भी समय बंद कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। और ये रोज़ होगा, जैसे कि स्ट्रीट लाइट हम रोज 6 बजे अपने आप बंद चालू हो जाए और सुबह 6 बजे बंद हो जाए, ऐसा कर सकते हैं। तो ये टाइमर हमारे इसमें देखिए एक नॉब है, अगर सेंटर में है तो ऑटो पोजीशन में ऊपर होगा तो ऑटोमेटिकली हमेशा ऑन रहेगा और नीचे की तरफ रहेगा तो हमेशा ऑफ रहेगा। 3 पोजीशन है और एकदम घड़ी की तरह देखिए, 12 बजे से लेके 3, 6, 9 बजे तक आपको 24 घंटे में कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। और ये तो साइड में 24 1 2 3 4 24 तक लिखा हुआ है, ये हमारा आवर्स की सेटिंग है 1। और ये बीच में जो 5 से 6 के बीच में देखिए 4 डॉट्स बने हुए हैं, 4 डॉट मतलब 15 मिनट का अंतराल है इसमें, 1 डॉट मतलब 15 मिनट। तो फ्रेंड्स इसका कनेक्शन भी दिखा देता हूँ, जैसे इसको ओपन करेंगे तो इसमें इसका कनेक्शन शो होगा। ये निकाल दिया हमने, फिर ये निकाल दिया, ठीक इसका कनेक्शन समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये दोनों जो पॉइंट है, इसमें हमें फेस और न्यूट्रल देना है 220 वोल्ट। ये हमारा कॉमन पॉइंट है, ये हमारा एनो पॉइंट है और ये एनजी पॉइंट है। इसका ड्राइंग भी आपको मैं दिखाया था हूँ उसमें, देखिए ये इसकी वायरिंग है। जैसे आप देख रहे हैं कि 1, 2 हमारा पावर है फेस न्यूट्रल, 3 कॉमन है, 4 नंबर एनो है, 5 नंबर एनजी पॉइंट है। तो आप पावर वायरिंग जैसे दिखा रहे हैं वैसा इसका कनेक्शन हमें करना है, मतलब कि हमें इसके फेस और न्यूट्रल दे देना है। और फेस ये देखिए फेस का वायर जो है सीधे 3 नंबर पे डाल देना है, यहाँ से वायर उठा के 3 नंबर ये 5 नंबर पे डाल देना है, सॉरी 3 नंबर पे, ये 3 नंबर। और न्यूट्रल का वायर उठा के सीधे लोड पे, जो भी हमारा लोड पे देना है सीधे वहाँ डाल देंगे। और 4 नंबर से वायर उठा के हम लोड के दूसरे पॉइंट पे दे देंगे, जैसे कोई भी लाइट ऑन करना है तो न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट चला जाएगा और जो फेस होगा वो 4 नंबर से होकर चला जाएगा। इसका फैक्टर भी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स इसका वायरिंग कनेक्शन समझाने से पहले मैं इसकी टाइम की सेटिंग समझाता हूँ, टाइम की सेटिंग कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको ऑटो में इसको किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ करना है इस टाइमर के थ्रू, तो इस नॉब को मिडिल में रखना है, बीच वाले पोजीशन में। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है कि करंट टाइम को सेटिंग करना है, जैसे अभी जितने टाइम हो रही है, अभी जितना भी टाइम हो रहा है, जैसे अभी मान लो 10 बज रहा है, रात के 10 बज रहे हैं, तो इसको हमें रात के 10 बजे मतलब 24 घंटे की सेटिंग है तो 22 बजे की करंट टाइम है अभी, तो 22 बजे करंट टाइम कर देना। और टाइम करना कैसे है, ये जो है सिस्टम हमारा इसको घुमा कर कभी भी घूमेगा ये तो क्लॉक वाइज घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो इसको घुमा घुमा के इसको, ये देखिए एक एरो बना हुआ है, एरो जो बना हुआ है इस एरो के सहायता से हम सेटिंग कर सकते हैं। इस एरो के सामने हमें 22 बजे ले जाना है, तो देखिए इस वक्त ये देखिए अभी 10 बज गया, ये देखिए मैंने यहाँ 22 बजे सेट किया है तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी देखिए 9 और ये 10 बजे सेटिंग ऑटोमेटिक, यहाँ भी जैसे आप सेटिंग करोगे वहाँ ये क्लॉक जो हमारा घड़ी है उसमें ये टाइम शो हो जाएगा। देखिए 22 बजे फ्रेंड्स 10 बजे की सेटिंग कर दिया। और ये जो हमारा सिस्टम नॉब है इसको सेंटर में रखना है, पहले मैंने बताया था कि सेंटर में होगा तो ये जो टाइमर प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम के हिसाब से काम करेगा। अगर नीचे की तरफ कर देंगे तो ये हमेशा जो सिस्टम है ऑफ कंडीशन में रहेगा, ऊपर की तरफ करेंगे तो ये एक और जो 4 नंबर है हमेशा ऑन कंडीशन में रहेगा। तो सेंटर में कर देंगे और अभी 10 बजे मान लो 11 बजे हमें टाइमर को ऑन कर देना और 12 बजे बंद कर देना है, ठीक है। तो ये जो काला नॉब दिख रहा है, ठीक है, इसके सहायता से ये टाइमर की सेटिंग होगी। तो क्या करेंगे अभी, सब ये जो जितने भी सेगमेंट है सबको पहले आगे की तरफ करेंगे क्योंकि अभी ये सारा ऑन कंडीशन में है, पहले इसको ऑफ करना है और जब भी और जहाँ भी ऑन करना वो ही बस आगे होना चाहिए। सबसे पहले तो इसको काले वाले नॉब को आई की तरफ कर लेते हैं, आप देख रहे हैं
सारा ब्लैक सेगमेंट जो है मैंने आज की तरफ कर लिया। अब इसका मतलब ये है कि जहाँ भी हमें ऑन करना है 23 बजे ऑन करना है, 24 बजे बंद कर देना है। तो 23 और 24 के बीच में जो चार कांटे हैं, चार सेगमेंट, 1, 2, 3, 4, ये चार जो ब्लैक है, देखिए मैंने इसको ऑन किया, ये 23 से 24 के बीच में ऑन कर दिया। तो जैसे हमारा 11 बजे का, तो ये हमारा चार नंबर एनो जो था एनसी हो जाएगा, मतलब हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है चार नंबर कनेक्शन किया हुआ ऑन हो जाएगा। फिर 24 बजे आके 12 बजे बंद हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लो फिर हमें 2 बजे चालू कर देना है और 4 बजे बंद करना है, तो 2 और 4 के बीच में जितने भी नॉट, देखिए मैंने 2 और 4 के बीच में सारे को पीछे की तरफ ले लिया, मतलब ऑन कर दिया। इस तरीके से हम कोई भी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो 11 बजे से लेके दिन के 11 बजे तक हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये 11 से 11 पूरा 12 घंटा लगातार ऑन होगा और फिर 11 से 11 बजे तक लगातार ऑफ रहेगा। इस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, वायरिंग मैंने कंप्लीट कर दी। देखिए फेस और न्यूट्रल इन दोनों पॉइंट पे दे दिए। उसकी बात क्या, तो फेस से वायर डायरेक्ट उठा के ये पहले नंबर पर डाल दिया, तीसरे नंबर पर, 1, 2, 3 नंबर पर, और न्यूट्रल दिया और न्यूट्रल को वहीं से डायरेक्ट उठा के हमारे लाइट पर दे दिया। और जो चार नंबर जो एनो पॉइंट था वहाँ से वायर का लाइट पर दूसरा वायर डाल दिया। अब देखिए नीचे की तरफ जब सेंटर में ऊपर जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमेशा ऑन हो जाएगा, हमेशा ऑन हो गया लाइट, नीचे करेंगे तो हमेशा बंद रहेगा। ये तो नंबर बीच वाले पोजिशन पर हम अपना जो भी प्रोग्राम करेंगे उस प्रोग्राम पे ये ऑन होगा। फ्रेंड अब हम इसको चेक कर लेते हैं। मान लो अभी टाइमर में हमारा 10:05 हो रहा है, ठीक है, ये टाइम शो हो रहा है करंट टाइम है। अब हमें अभी 1 मिनट बाद ही ऑन कर देना है। 22 जो है 22 इसके जस्ट बाद वाला ऑन कर देते हैं तो ये ऑन होगा। 15 मिनट ये ऑन किया, मतलब 15 मिनट ऑन रहेगा। ये कर दिया मैंने 30 मिनट, ये 35, 45 और ये 60, अच्छा 1 घंटे के लिए ऑन कर दिया, 22 से 23 बजे तक, 11 बजे तक ऑन कर दिया। तो अब 1 घंटा तो वेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि ये टाइमर को मैनुअली घुमा के और चेक कर लेते हैं कि 1 घंटे बाद ये बंद होता है कि नहीं। हमारा बंद हो गया, तो इससे मतलब कि इस तरीके से हमें टाइमर का ये सेटिंग करना है और कनेक्शन इस तरीके से करना है। इस तरीके से मैं देखो फिर 12 बजे ऑन कर देता हूँ इसको, फिर 2 बजे ऑन कर देता हूँ, चेक कर लेते हैं। देखिए अभी 12 से 1 ऑन होगा, फिर 2 से 3, देखो 12 नहीं है, 12:15 ही हो रहा है, 15 मिनट पहले ही ले लिया मैंने। देखो 12:15 में ऑन हो गया, फिर 12:15 में ये बंद हो जाएगा, फिर कितने में चालू हो जाएगा, 1:45 में चालू होगा, 1:45 बंद हो जाएगा, 1:45 हो गया, 1:45 कर दिया, जैसे 1:45 के बाद ये बंद हो गया। इस तरीके से हम कोई भी सेटिंग इसमें कर सकते हैं। तो आपको ये अगर टाइमर कनेक्शन और सेटअप समझ में आ गया होगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।